बाकी दोस्तों जो ये प्रतियोगिता हो रही है वो मैम बताएंगी। मैम काफी जगह से आ रखे हैं, काफी सारे स्कूलों से आ रखे हैं। तो ये उड़ रहा है मामा जी का ड्रोन, जिसे देख के बच्चे काफी खुश हो रहे हैं। भाई ये हमारे गांव के यानी कि हमारे बड़े भाई हैं और भेजने इधर का होटल है बड़ासो में। बाकी दोस्तों जस्ट ऊपर में है हेलीपैड, देख सकते हैं गाड़ी से कितनी फुल भर रखी है। घर जाने से पहले मंदिर में तो अभी दोस्तों यमकेश्वर भाई और कैलाश भाई की और नवीन भाई की तैयारी हो गई है सीधे यहाँ से घर निकलने की। हम तो थोड़ी देर बाद में आएंगे क्योंकि हमारा अभी वीडियो एडिटिंग का काम है। तो ठीक है भाई, मिलते हैं। बिल्कुल ठीक है, हाँ हाँ ठीक है कैलाश भाई, कब मिलेंगे? बहुत अच्छा लगा पहली बार मिलके, मुझे भी बहुत बढ़िया लगा। मतलब ये एहसास नहीं हुआ कि पहली बार मिले, क्यों आना फिर कभी? बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे। नहीं आया कभी, नहीं आया, बिल्कुल आएंगे। ठीक है भाई नवीन भाई, ओके तो भाई बाय। तो अभी दोस्तों हमारी तैयारी भी हो गई है रूम से निकलने की, हमने बढ़िया करके चेकआउट भी कर दिया है। चले भाई, चलो जय श्री केदार, जय श्री केदार। चलो भाई घर जाने से पहले एक बार भगवान जी के दर्शन कर लेते हैं। तो अभी मैं पहुंच चुका हूं त्रिगुरु नारायण मंदिर में। तो चलिए जी भगवान नारायण का नाम लेके ब्लॉग की शुरुआत भी कर लेते हैं। तो हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है लोकेश मौर और स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गाँव त्रिगुरु नारायण और त्रिगुरु नारायण मंदिर से भाई। तो चलिए जी आपसे कितनी कुछ बात तो करते हैं आज के नए ब्लॉग की शुरुआत। तो दोस्तों आज के जो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है वो भी हो रही है भाई त्रिगुरु नारायण से। बाकी भाई अभी सुबह सुबह का माहौल कुछ इस प्रकार से है, ठीक सामने रहा भगवान जी का मंदिर। कल तक आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पर अच्छी खासी रौनक थी, आज थोड़ा भीड़ कम हो गई है पर फिर भी भाई यात्री आ ही रहे हैं क्योंकि दोस्तों त्रिगुरु नारायण एक ऐसा मंदिर है जहाँ कभी कपाट बंद नहीं होते। जय हो प्रभु, जय हो, 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 जय हो। कृपया करके भगवान जी के दर्शन भी हो गए हैं पर भगवान नारायण की कृपा बनी रहे। हर हर महादेव, जय हो, नमो नारायण, जय लक्ष्मी नारायण। आप जो ये कुंड देख सकते हैं ये भाई वर्मा कुंड और यहाँ ठीक सामने ये वाला कुंड है रुद्र कुंड। आप ये छोटा सा कुंड देख सकते हैं ये भाई नारायण कुंड। सामने आप ये प्रतिमा यानी कि मूर्ति देख सकते हैं ये भाई लक्ष्मी नारायण की और ये है विष्णु कुंड जो कि भगवान विष्णु जी को समर्पित है। दोस्तों यहाँ की बात करें ये जो आपका कुंड दिख रहा है ये भाई सरस्वती कुंड जो कि माँ सरस्वती को समर्पित है। तो चलो भाई बढ़िया करके सभी कुंडों के दर्शन भी हो गए हैं, भगवान जी के दर्शन भी हो गए हैं, अब चलते हैं यहाँ से। जय हो प्रभु, जय हो नमो नारायण। आज मैं अमित भाई के साथ चलूंगा यहाँ से अगस्त मुनि तक क्योंकि मेरी बाइक लार की थी पर मैंने अपनी बाइक एक दोस्त को दे दी, उसकी गाड़ी खराब हो गई तो वो मेरी बाइक लेके आगे निकल गया है। हम दोनों के दोनों साथ में चलेंगे। चले भाई बोलो। चलो चलिए भाई अभी हम निकल चुके हैं त्रिगुरु नारायण से। तो बहुत बढ़िया रहा त्रिगुरु नारायण का सफर और त्रिगुरु नारायण का मेला भाई। मैंने दोस्तों हम त्रिगुरु नारायण से काफी आगे पहुंच चुके हैं जहाँ से कि काफी गजब के नजारे दिखते हैं। तो जो आपको ये सामने दिख रहा है ये भाई सीतापुर और यहाँ की जो लोकेशन है वो काफी जबरदस्त है भाई। बहुत दिक्कत है भाई यहाँ। तो चलते चलते हम पहुंच चुके हैं भाई सोनप्रयाग। पार्किंग देख सकते हैं गाड़ी से कितनी फुल भर रखी है। गाड़ियों को देख के लग रहा है कि सीजन बहुत खतरनाक चल रहा है, यात्रा बड़ी जबरदस्त है। देख लो भाई पूरी पार्किंग भरी हुई है और यहाँ देख लो भाई जाम भी कितना खतरनाक लगा है। यात्रा तो बड़ी अच्छी चल रही है भाई। दोस्तों हम निकल चुके हैं सोनप्रयाग से आगे, बाकी भाई सामने है प्रियंका दीदी का होटल। चलिए भाई निकलते हैं, अभी हमको काफी दूर जाना है भाई। बाकी दोस्तों सोनप्रयाग से आगे चलते चलते पता ही नहीं चलता सीतापुर कब आया। देख लो भाई ये सामने रहा आपका सीतापुर, जाम इतना खतरनाक है कि जगह जगह पे रुकना पड़ रहा है भाई। वैसे ही केदार घाटी की रोड है पर यात्रा तो खैर ठीक ठाक चल रही है। ऐसा बहुत दिक्कत आ रही भाई।
और अभी हम पहुंच चुके हैं रामपुर भाई, देख लो इतना तगड़ा जाम, इतना तो परसों भी नहीं मिला भाई हमें। और घोड़े खच्चर भी लगातार केदार घाटी के लिए बढ़ रहे हैं भाई। बाकी दोस्तों देख लो भाई, केदार घाटी में लैंडस्लाइड का बहुत ज्यादा खतरा होता है। वैसे ही गाड़ियां चल रही, वैसे ही यात्रा चल रही, और वैसे ही ऊपर देख लो भाई काम चालू है, बहुत रिस्की है भाई, क्या बताएं। आवा पोहा डावा, पोहा डावा, बदानी ताल, बदानी ताल, बदानी ताल, बदानी ताल। हेलो भेज प्रणाम। बढ़िया भेजी, कैसे हो? बढ़िया। और तबीयत ठीक है? मैं जा रहा था तीज गुना रहे, बस क्या सब बढ़िया ना। दोस्तों भेजी है हमारे गांव के, यानी कि हमारे बड़े भाई हैं, भेजी ने इधर खाना लगा दिया है। क्या क्या भेजा आज खाने में? दाल भात। चलो बढ़िया, तो चलो भाई भूख भी भयंकर लग गई थी, तो जल्दी जल्दी खाना खा लेते हैं। तो अभी दोस्तों बढ़िया करके भात भी खा दिया है। बाकी भाई भेजी भर रहे हैं टॉफी एक पन्नी पे, इसे इनेबल बच्चों को बांटना। क्यों भेजी? चलो दोस्तों भेजी ने अपनी तरफ से भात भी खिला दिया है, बाकी वे बच्चों के लिए इतनी सारी टॉफियां भी दे दी है। ठीक है भेजी, बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे। ठीक है, आराम से रहना। ठीक है, तब बाय। जस्ट ऊपर में है हेलीपैड, हेलीपैड के जस्ट बगल में है भेजी का छोटा सा ढाबा, इधर देख सकते हैं आप, पवार ढाबा। चलिए दोस्तों बढ़िया करके खाना खाने के बाद हम निकल चुके हैं बड़ासू से सीधे अपने सफर में आगे। चुके हैं भाई अगस्त्य मुनि में। बाकी भाई अगस्त्य मुनि मुझे जाना है मामा की दुकान पर। भाई साहब यहाँ तो बाकी दोस्तों मैं तो आज अगस्त्य मुनि रुकूंगा मामा के साथ, और अरविंद भाई जाएगा घर, क्योंकि मेरा थोड़ा ड्रोन का काम है, वो मुझे सर्विस कराने के लिए देना है, बहुत सारे काम है। तो ठीक है भाई, ओके मिलते हैं कल परसों है। ठीक है भाई, ओके। तो मामा की दुकान से मैं सीधे पहुंच चुका हूँ भाई अगस्त मुनि ग्राउंड में। यहाँ कुछ प्रतियोगिता है, ये रहा भाई मेरे हाथ में मामा जी का ड्रोन। मामा का भी फोटोग्राफी और ड्रोनोग्राफी का काम है, तो इसीलिए इसे मुझे उड़ाना है आज। फोन मस्त फोन, तुम्हारे बीच प्रतियोगिता में हिस्सा लेने काचिन तुम सोड़ी। ठीक, बढ़िया बढ़िया, लगे रहो, खाओ खाओ खाओ। दोस्तों धूप इतनी तेज हो रही है कि क्या बताएं भाई, भयंकर पसीना आ रहा, गर्मी भी खतरनाक हो रही है आज। क्यों भाई? हाँ जी हो रही ना, हो रही है। हाँ बाकी दोस्तों देख लो भाई, कभी इस ग्राउंड में हमने भर्ती की तैयारी की थी, वो भी क्या दिन थे भाई। भाई साहब जहाँ पर हम अभी थे वहाँ सब पेरेंट्स बैठे हैं, और जो प्रतियोगिता हो रही है वो भाई अंदर हो रही है। जो हमारा कैमरा सेटअप है वो ये है भाई, इधर ड्रोन है, उधर कैमरा है, इधर मामा जी है, इधर भाई है। और दोस्तों यहाँ हो रही है बच्चों की कला प्रतियोगिता। अंदर तो बड़े बड़े बच्चे हैं, और यहाँ है भाई छोटे छोटे और प्यारे प्यारे बच्चे, देख लो ये बच्चे ड्राइंग बना रहे हैं, ऐसे ही मस्ती कर रहे हैं भाई, वाह। बाकी दोस्तों ये उड़ रहा है मामा जी का ड्रोन, जिसे देख के बच्चे काफी खुश हो रहे भाई, वाह। तो बच्चे काफी जगह से आ रखे हैं, काफी सारे स्कूलों से आ रखे हैं, अब हम यहाँ चलेंगे भाई। बाकी दोस्तों जो ये प्रतियोगिता हो रही है वो मैम बताएंगी। मैम ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और माननीय हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय धामी जी के जन्मदिन पर विकासखंड अगस्तमुनि और विकासखंड कुकी मठ की पेंटिंग प्रतियोगिता हो रही है। तो बढ़िया करके प्रतियोगिता समाप्त हो चुकी है, और सभी बच्चे जाने लग गए हैं अपने अपने घर, और इधर सभी टीचर लोग बच्चों के लिए कुछ खाने पीने की चीजें दे रहे हैं। तो यहाँ का पूरा प्रोग्राम निपट चुका है। क्यों भाई?
मामा जी और भाई फोटोग्राफी और ड्रोनोग्राफी पे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना इनकी मदद की जाए। क्यों भाई जी, अब पूरा काम हमारा निपट चुका है, अब चलते हैं हम कमरे की ओर। भाई साहब धूप कितनी तगड़ी हो रही है ना, ये देख लो भाई अभी ग्राउंड का माहौल कुछ इस प्रकार से है, क्या करें बहुत यादें जुड़ी है भाई इस ग्राउंड से भी। दोस्तों वहाँ का काम निपटा के हम रूम पे पहुँच चुके थे, थोड़ी देर हमने आराम किया और अभी समय हो रहा है 10:14 और मैं पहुँचा हूँ जगत चाचा जी के घर पर। चाचा जी तो यहाँ है नहीं, इधर चाची जी है। बाकी भाई आज है दीपक भाई की एंगेजमेंट एनिवर्सरी, तो पहले तो भाई बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं भेजी और भाभी को। कैसा लग रहा? बहुत अच्छा लग रहा। चलो बढ़िया बढ़िया, ये फर्स्ट एंगेजमेंट एनिवर्सरी है ना। हाँ चलो बढ़िया बढ़िया। और बाकी दोस्तों इधर मामा जी है, मामा जी फोटोशूट बढ़िया हो रही ना। हाँ तो बढ़िया है भाई। और इधर है भाई छोटी बोली प्रीति, हेलो प्रीति कैसी है? बढ़िया है, ठीक है तो, और सब बढ़िया है ना। और इधर है अपना डॉन प्रिंस, कया भाई बढ़िया, क्या हो रहा ठीक है। और इधर चाची जी है, चाची कैसा लग रहा आज, ठीक लग रहा? बाकी भाई मैंने जब आते ही चाची को देखा मुझे लगा प्रीति है, आज चाची का लोग एकदम चेंज हो गया नहीं फिर थी। बढ़िया है, होना भी चाहिए। हैप्पी एंगेजमेंट एनिवर्सरी, बहुत बहुत बधाई हो भाई दोनों को, बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। खौनी कर जी, खौनी कर, बहुत बहुत बधाई, खौनी कर, खौनी कर, बहुत बहुत बधाई, बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो बढ़िया है बढ़िया। तो बढ़िया करके केक कटिंग भी हो गई है, बाकी भाई डांस वगैरह भी हो गया है। आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। बिल्कुल बिल्कुल। और बाकी भाई सब कुछ तो ठीक रहा, कमी खली तो बस जगत चाचा की और अजय भाई की। भाई क्यों क्यों प्रीति, हाँ यार बिल्कुल बिल्कुल। तो चलो भाई अब थोड़ा अब सही बात है, अब खाना और अब खाना खाने की तैयारी करते हैं। क्यों भाई, अब हमारी है खाना खाने की तैयारी। प्रीति क्या है खाने में? खाने में पनीर है, मटर है, सब्जी है और दाल भात है। वैसे भाई आज आपने डांस क्यों नहीं किया? अरे आजकल थोड़ा मेरा मूड खराब चल रहा ना। मूड खराब ऐसे क्यों, मतलब डांस तो आजकल रहना चाहिए ना। आजकल कुछ हो ही ऐसा रहा है, ठीक है बताऊंगा तुझे फुर्सत से। कोई इशू है तो खुश रहो। अरे क्या करना बोली, बहुत ही प्रॉब्लम है। चलो अब खाना खाते हैं, ठीक है चलो चलो। तो अभी दोस्तों हमारी अभी खाना खाने की तैयारी। बाकी भाई आज चाची जी ने बनाया है, चावल है, मटर पनीर है और आलू की सब्जी है। इधर पंकू भाई बैठा है, इधर मामा है, मामा शुरू करें। यस। इधर है दीपक भाई, दीपक भाई तो स्टार्ट कर दिया है। कैसा हो रहा खाना? बढ़िया बढ़िया हो रहा। अबे काले बढ़िया ना। हाँ चलो भाई अभी बढ़िया करके खाना खा लेते हैं। तो अभी दोस्तों बढ़िया करके हमारा खाना भी हो गया है। बाकी भाई मैं और मामा जी पहुंच चुके हैं रूम पे। इधर है मामा जी और अब हमारी तैयारी है सीधे सोने की। क्यों मामा? तो बाकी दोस्तों यहां तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। तो इसी के साथ आज के ब्लॉग को करता हूं मैं समाप्त। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और जो चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं आपको अगले नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।